रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पनखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बनपति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहितरत गिद्धों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने कालनेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, जाने कितने पर नारी को हरणे रावण जोगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले हम आपको वहां ले चले जहां यदुवंश की पवित्रता है, सहजता है, चंद्रवंश की निर्मलता है, त्याग और तप और साहस और धैर्य क्या है, सत और क्या है असत, इसका विवेक है। विवेक किसे कहते हैं देवियों? हम समझ सके कि ये नष्ट हो जाएगा और ये नष्ट नहीं होगा। धन नष्ट हो जाएगा किंतु कीर्ति नष्ट, अपराजय कीर्ति, अपराजय यश, लगातार लगातार लगातार। और हमारी संस्कृति ने हमको ये दृष्टि दी। भरत जी महाराज जैसे महापुरुषों का जहां प्रादुर्भाव हुआ, आप उस कथा को अच्छे से जानती हो। जड़ भरत कहे थे, कहलाए थे वो, और एक छोटी सी हिरणी की आसक्ति ने उनको हिरण के शरीर में पहुंचा दिया था। प्रेम बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति अच्छी बात नहीं है। प्रेम कैसा और आसक्ति कैसी? फूल आपको सुंदर लगा, आपने प्रेम किया, उसके पौधे को सींचा, खाद दी, लेकिन आपको प्रेम नहीं, आपको मोह है, आपको फूल अच्छा लगा, आपने फूल तोड़ा, उसे सूंघा, उसको उसके वृक्ष से अलग कर दिया। प्रेम खिलने का अवसर देता है और मोह नोच लेता है, निचोड़ लेता है। आसक्त व्यक्ति होता है वो जो किसी दूसरे के द्वारा स्वयं सुखी होना चाहे। बस यहीं से परतंत्रता शुरू होती है। हम सुख देने में आजाद हैं, हम सुख पाने में आजाद नहीं हैं। और सबसे बड़ा बंधन है प्यार मांगना। प्यार मांगना, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार ना मांगो। बांध लेने की प्रवृत्ति क्लेश पैदा करती है, क्लेश पैदा करती है। एक देवी ने मुझे फोन किया, बोले दीदी माँ मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा तुझे क्या हुआ? बोले अब पति मुझे प्यार नहीं करता, सुबह से निकल जाता, पूछता ही नहीं चाय पी, भोजन किया कि नहीं किया। तो मैंने कहा तेरे विवाह को कितने साल हो गए? बोले 24 साल हो गए। तो मैंने कहा अब तो पीछा छोड़ दे, अब पीछा छोड़, तुम चिंता करो कि तुमने भोजन किया कि नहीं, तुमने चाय पी कि नहीं,
तुम ठीक हो कि नहीं, तुम दो। और ये जगत बड़ा विचित्र है कि आप जो देते हो सो आप पाते हो, इसलिए बटोरो मत। प्यार और इज्जत मांगने वाला सबसे बड़ा भिखारी होता है। भूख लगे तो रोटी मांग लेना, कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा मांग लेना, पर प्यार और इज्जत कभी मत मांगना। प्यार और इज्जत देने की चीज होती है, मांगने की चीज नहीं होती। और जिस दिन आप ये निश्चय कर लोगे उस दिन जीवन धन्य होगा। देखो देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे, सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार ना मांगो, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। जिस दिन ये निश्चय हो जाता है उस दिन जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए देवियों, सुखी होने की कुंजियां कहीं और थोड़ी हैं, हमारे अपनी प्रज्ञा में, अपने विवेक में। आनंद में होना चाहते हो ना, सुखी होना चाहते हो ना? अब दूसरे को तो सूली पे टांगे हो तो स्वयं कैसे सुखी हो जाओगे? सबका नाक में दम है, संदेह संदेह संदेह, और देवियां तो इतना संदेह करती हैं, शंका ही शंका। और एक ने मुझे कहा, दीदी माँ मैं ना 15,000 रुपया कमाती हूँ और पति को 5,000 ही बताती हूँ। तो मैंने कहा 10,000 क्या करती है? कहती है बैंक बैलेंस बहुत हो गया मेरा, चुपचाप जमा करती हूँ। तो मैंने कहा तू बड़ी कंगली है, बड़ी बड़ी कंगली है। बोले लो मेरा बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा और आप मुझे कंगली कह रही हो? तो मैंने कहा कि जो अपने जीवन साथी पे ही भरोसा न कर सके उससे बड़ा और कंगाल कौन हो सकता है। वस्तु और पदार्थ इसका महत्व नहीं होता, विश्वास एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का आदर, क्या हमारे जीवन में ये है? और अगर ये है तो फिर हम धन्य हैं, तब फिर हम कृतार्थ हैं, तब फिर हम संसार के सबसे बढ़िया इंसान, हम एक साथ हैं।